हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा, वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास टेंथ के लिए है। चैप्टर वन को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे और ये सेवन्थ क्लास है टेंथ क्लास की, मैथ्स की। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास टेंथ की जो चैप्टर वन की वीडियोज़ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है ये वीडियोस। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी मैं कि संडे को जो हमारी नॉर्मल क्लास होती थी, कभी टेंथ की या कभी नाइन्थ की, वो नहीं ली मैंने। एक अलग से वीडियो डाली थी संडे को, मतलब कल, जो कि क्या थी, टोटली बेसिक मैथ्स से रिलेटेड थी। जो मैथ्स हमने पढ़ा हुआ है, जो अभी हमारे लिए ज़रूरी है नाइन्थ टेंथ में भी, वो हम क्या कहते हैं, जो भूल चुके हैं या कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होती है हमें उसको, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो हम लॉन्ग डिवीज़न से जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे, आपने एट्थ में पढ़ा होगा, तो वो हम मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। लाइक रूट टू की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें, इरेशनल नंबर है ना, रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं हम एक उसकी अप्रॉक्स वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो एक बार इस वीडियो को भी देख लेना जो कि इक्वली हेल्पफुल है आपके लिए, ये बताना था बस आपको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, 4 सॉल्व किया था, ओके, आज की, और 7 भी सॉल्व किया था, है ना। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर जैसा 5 है ना, वैसे एक एग्जाम्पल भी है, तो मैं पहले वो एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, ये क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। ये जो 4 की पावर क्या है, n है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, क्या है ये 4 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो बोल रहे जहां पे n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या, चेक वेदर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्या n की कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 की पावर n करने पर वो किस पे एंड करे, डिजिट 0 पे एंड करे, मतलब उसके लास्ट में क्या आए, 0 आए। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्या दिया था इसने हमें एग्जाम्पल 5 के अंदर, 4 टू द पावर n दिया था। फॉर इसने हमसे पूछा है, ये जो n है, क्या इस n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके पावर, अगर उतनी, जो n की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, अगर उतनी 4 की पावर करी जाए तो वो किस पे एंड करे, 0 पे एंड करे। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो ढंग से, ये क्या बोल रहे। देखो अगर 2 है, क्या है, 2 की पावर मैं 5 करती हूँ तो कितना आता है, 32 आता है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 को 5 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो ये कितने पे एंड कर रहा है, 2 पे एंड कर रहा है। लेकिन इसने क्या बोला है, कितने पे एंड करे, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए 4 की पावर वो करने पर कितने पे एंड करे, वो 0 पे एंड करे, मतलब लास्ट में कितना आए, 0 आए, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर ले लो, उसकी पावर कुछ भी कर लो, कभी 0 नहीं आता। कब तक नहीं 0 आता, जबकि उसके फैक्टर में क्या ना हो, 10 ना हो। जब तक कोई ऐसा नंबर ना हो जो क्या हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर ना हो जो कि 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तब तक उसकी पावर की जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर 0 नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा, अब 1 की पावर कितनी भी करके देख लो, 1 ही आता है, ठीक है। 2 की पावर करोगे तो अलग अलग चीजें आती हैं, कभी 2 दूनी 4 होते तो पीछे 4 आ रहा है, फिर ठीक है। 2 की पावर 3 करते हो तो 8 आता है, लेकिन 0 नहीं आता कभी भी। फिर 3 की पावर करके देख लो, 3 की पावर 2 करने पर कितना आता है, 9 आता है। फिर 3 की पावर 3 करने पर 27 आता है, लेकिन कभी भी पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 0 नहीं आता। ऐसे ही लेकिन जब हम 10 की पावर करते हैं, किसकी पावर करते हैं, 10 की पावर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 0 आ रहा है ना। 10 की पावर 3 करने पर कितना आएगा, 1000 आएगा, पीछे क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है ना। ऐसे ही आप 20 ले लो, 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, पीछे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ओके। ऐसे ही 30 ले लो, 30 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 900 आता है, पीछे कितना आ रहा है, 0 आता है। तो किसी नंबर के पीछे किसी की पावर करने के बाद 0 तब आएगा जब उसके फैक्टर में क्या हो, 10 हो, उसके फैक्टर में क्या हो, 10। देखो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये सॉरी 10 की पावर करनी थी यहाँ पे, 1000 लिख दिया मैंने। देखो 10 भी 10 से डिवाइड होगा, 20 भी 10 से डिवाइड होगा, 30 भी क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो किसी नंबर की पावर कुछ भी कर लो आप, वो 0 कब आएगा, जब उसके फैक्टर में क्या हो, 10 हो, या वो नंबर 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या, उसके फैक्टर में
टू आना चाहिए और क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, क्योंकि दो पंजे कितना होता है, दस होता है। अगर कोई नंबर टू से और पांच दोनों से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ दो से या सिर्फ पांच से नहीं, दो और पांच दोनों से डिवाइड हो जाए अगर कोई नंबर, तो उसके फैक्टर में क्या होता है, टेन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इस फोर के क्या करना है, फैक्टर करना है। फोर के क्या करना है हमें, फैक्टर। आप इसको ऐसे लिखोगे, फोर टू द पावर एन इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर करो, टू इंटू टू, प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। कौन से फैक्टर करने हैं, प्राइम वाले, तो टू इंटू टू आया यहाँ पे, और इसको भी हम फोर, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन है। अब हमने देखा फोर के फैक्टर में ना टू तो आ रहा है लेकिन फाइव नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, टू तो आ रहा है लेकिन फाइव नहीं आ रहा। देखो टू और फाइव के साथ कुछ और भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन टू और फाइव भी आने चाहिए, ठीक है। तो टू तो आ रहा है यहाँ पे लेकिन फाइव नहीं आ रहा है इसके फैक्टर में, तो आप क्या बोलोगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ फोर डज नॉट कंसिस्ट फाइव, क्या लिखा आपने, द प्राइम फैक्टर ऑफ फोर डज नॉट कंसिस्ट फाइव, चार के अभाज्य गुणनखंड में, चार के अभाज्य गुणनखंड में पांच नहीं है, क्या नहीं है, पांच नहीं है, इसलिए देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन इट विल नॉट एंड विद जीरो, या नॉट एंड एट जीरो, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, इसलिए n के किसी भी मान के लिए चार की पावर n जीरो पर समाप्त, यहां पे कॉमा लगा लेंगे, पर समाप्त नहीं होगा, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब ये था एग्जाम्पल नंबर फाइव, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आ जाता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी करवाया इसका। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये देखो, चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ रही हूं मैं, चेक वेदर सिक्स टू द पावर एन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, क्या एन का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए सिक्स की पावर एन क्या कर जाए, जीरो पर एंड कर जाए, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, वहां पे हमने फोर के फैक्टर किए थे ना, यहाँ पे आप किसके फैक्टर करोगे, सिक्स के फैक्टर करोगे, और सिक्स के फैक्टर करने पर क्या आता है, टू इंटू थ्री, सिक्स के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, टू इंटू थ्री की पावर, फिर एन है क्योंकि, तो पावर एन कर दोगे आप, जैसे हमने यहाँ पे की थी ना, टू इंटू टू लिख के पावर में मैंने क्या लिखा, एन लिखा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे करोगे कि सिक्स टू द पावर एन को लिखोगे टू इंटू थ्री की पावर ब्रैकेट लगा के एन, फिर आप वही बोलोगे, अब देखो इसके प्राइम फैक्टर में, सिक्स के प्राइम फैक्टर में टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, लेकिन पांच नहीं आ रहा ना, तो दो और पांच दोनों आने चाहिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि दो और पांच इसके फैक्टर में, दो और पांच दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि सिक्स के प्राइम फैक्टर में ना पांच नहीं है, जो अभी हमने लास्ट में स्टेटमेंट लिखी ना ये वाली, कि जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है किसके, सिक्स के, उसके अंदर फाइव नहीं है, इसलिए कोई भी वैल्यू एन की ऐसी नहीं होगी जिसके लिए वो एंड कर जाए किस पर, जीरो पे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हमेशा आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसके प्राइम फैक्टर में फाइव नहीं है इसलिए ये एंड नहीं करेगा जीरो पे। देखो अगर 15 दे दे आपको कि क्या 15 की पावर एन में एन की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो क्या कहते हैं जीरो पे एंड कर जाए, तो आप 15 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, थ्री इंटू फाइव आएगा इसके प्राइम फैक्टर में, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि पांच तो है लेकिन क्या नहीं है, दो नहीं है, तो आप बोलोगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 15 डजंट कंसिस्ट टू, कि जो 15 के अभाज्य गुणनखंड है उसके अंदर दो नहीं है, उसके गुणनखंडों में दो नहीं है, इसलिए एन का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए वो जीरो पर क्या करे, एंड करे, या जीरो पर क्या हो, समाप्त हो। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, ये एक नंबर है और ये एक दूसरा नंबर दिया हुआ है हमें, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं हमें अलग अलग, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब देखो ये पूछ रहा है हमसे, इसका मतलब ये क्या है, ये है कंपोजिट नंबर लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। जैसे आपसे कोई पूछे कि फोर कंपोजिट नंबर क्यों है,
तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि फोर कंपोजिट नंबर क्यों है, बताओ भाई। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर, मैंने बता दिया आपको फोर जो है कंपोजिट नंबर है, लेकिन फोर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो आप क्या आप बोलोगे। तो दो तरीके के हमने नंबर पढ़े थे यहाँ पे, प्राइम और कंपोजिट, याद है मेरी लास्ट वीडियो में या लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइम और कंपोजिट नंबर, मैंने एक्सप्लेन किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, यानी कि ये अभाज्य और ये भाज्य। फिर मैंने वहां बताया था प्राइम नंबर क्या, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, या फिर या ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो वन हो सकता है, या तो वन होगा या वो नंबर खुद होगा, वो जो नंबर है प्राइम नंबर है वो खुद होगा। ओके, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल फाइव, फाइव या तो वन से डिवाइड होगा या खुद से पांच से डिवाइड होगा। और क्या है ये, कहां से शुरू होते हैं, दो से शुरू होते हैं, दो एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है, ये भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्योंकि दो भी सिर्फ दो से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ वन से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या था, इसका उल्टा, जो भाग हो जाए किसी से, यानी कि जो अपने अलावा, वन के अलावा और अपने अलावा भी किसी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो जैसे मैंने पूछा कि फोर कंपोजिट नंबर क्यों है, तो आप क्या करोगे भाई, फोर के फैक्टर करोगे टू इंटू टू, तो इसके फैक्टर में वन और उस नंबर के अलावा भी इसके फैक्टर आ रहे हैं, ये किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, आपको आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में या चार के गुणनखंड में, अभाज्य नहीं भी लिखो, प्राइम फैक्टर ना भी करो, तो आप ये बोल सकते हो चार के गुणनखंड में एक और चार के अलावा भी अन्य गुणनखंड है। जैसे मैं 12 बोलूं तो 12 को आप 3 * 4 लिख सकते हो, तो इसके देखो फैक्टर में क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, यानी कि 1 और 12 के अलावा भी तो इसके फैक्टर है ना कुछ और, तो यानी कि ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही हमें उन क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन करना है, तो एक मिनट कर लेते हैं इसको। अब ये दो अलग अलग नंबर दिए हुए हमें इसने, ये एक अलग नंबर है क्वेश्चन के अंदर और ये एक अलग नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर दिए हैं इसने हमें क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा कि ये कंपोजिट क्यों है, तो एक एक करके करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं पहले, 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या है जिसके कोई फैक्टर आ जाए, तो एक तरीका तो ये है कि पहले आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले आप तीनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, फिर उसमें क्या करो 13 को ऐड कर दो, ठीक है, फिर जो नंबर आएगा उसके फैक्टर करके देखो कि क्या उसके कोई फैक्टर पॉसिबल है, क्या उसके कोई फैक्टर पॉसिबल है। ओके, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा काम को अपना इजी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपने काम को इजी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि एक तो इसकी ये टर्म हो गई, जब मल्टीप्लाई में होता है ना कोई चीज तो वो एक टर्म होती है, ठीक है, फिर प्लस में है तो ये दूसरी टर्म हो गई इसकी, तो आपने देखा कि इसकी इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कुछ चीज कॉमन है क्या, यस 13 कॉमन आ रहा है इसमें, यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, तो क्या हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, तो मैंने 13 को निकाला बाहर, ठीक है, तो 13 को जब इस नंबर में से आप कॉमन निकालोगे तो 7 बचेगा आपके पास, 11 बचेगा और क्या बचेगा आपके पास, 13 तो बचेगा नहीं, 13 की जगह क्या बचेगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे क्या बच गया, 1, क्या बच गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1। अब ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन, अब इसमें से भी 13 को जब आप डिवाइड करोगे 13 को तो क्या बचेगा, प्लस में 1, समझ में आ रही है इतनी बात। अब आगे चलते हैं, तो 13 इंटू या ब्रैकेट ही लगा लो, चलो अभी 13 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 77 इंटू 1 है तो 77 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 ही तो आएगा भैया, फिर ऐसे बोलो 11 को आपने 1 से करा 11 आया और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 77 आया, लेकिन प्लस में ये वाला 1 है इसको नहीं भूलना लिखना, ये भी लिख लिया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया 13, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 78 आ गया हमारे पास, राइट। अब हमसे हमें क्या करना था, यही तो एक्सप्लेन करना था कि इस नंबर के फैक्टर में जो भी ये नंबर बनेगा, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करके 13 को ऐड करके कोई ये नंबर बनेगा, तो जब इसके फैक्टर में 13 और 78 आ रहा है, यानी कि 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, या फिर 78 को भी और तोड़ दिया जाए, यहाँ पे जो भी आए, यहाँ पे शायद 13 छिंग 78 होता है तो वो 13 भी आ जाएगा, फिर 1 6 आ जाएगा, जो भी 78 के फैक्टर बन सकते हैं चाहे वो 2 हो या कुछ और बने, उनसे भी ये सब क्या हो जाएगा, ये जो भी नंबर बनेगा ना यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ ये बताना था कि 1 और उस नंबर के अलावा भी दो फैक्टर आ रहे हैं कुछ और, तो कुछ और फैक्टर तो आ ही रहे हैं भाई, इतना हमारे लिए काफी है, ज्यादा इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ यही लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर मत लिखना, देखो हमने इसको प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ा, क्योंकि द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, जो भी ये नंबर है यहाँ पे, दिस
नंबर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर अदर देन वन एंड इट सेल्फ, मतलब इस नंबर के जो गुणनखंड हैं वो वन और इस नंबर के अलावा कुछ और भी हैं, यानी कि हिंदी में क्या लिखोगे, इस संख्या के गुणनखंड में, इस संख्या के गुणनखंड में या इस संख्या के गुणनखंड एक और इस संख्या के अलावा भी हैं, जो हमने देखा ना अभी 13 भी इसका फैक्टर है, 78 भी इसका फैक्टर है, तो हमने क्या बोला, इस संख्या के गुणनखंड एक और इस संख्या के अलावा भी हैं, देयरफोर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए यह भाज्य संख्या है। हमें सिर्फ इतना ही करना था, समझ में आया, हमने कुछ नहीं करा, मैंने देखा दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाला और ये दो फैक्टर निकल के आ गए इसके। फिर हमने बोला कि जो इसके फैक्टर है भाई वन के अलावा, किसके अलावा, वन के अलावा और इस नंबर के खुद के अलावा भी इसके और भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं, इसलिए ये नंबर क्या है, एक भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है। हमें इतना ही लिखना था सिर्फ यहाँ पे। ओके, ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सब मल्टीप्लाई में है यहाँ तक, ठीक है, और ये प्लस में 5 दिया हुआ है, तो 5 आपका यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन निकालो, फिर जो भी आ रहा है सबको मल्टीप्लाई करके उसमें यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, तो वो 1 करके दो नंबर फिर से आ जाएंगे आपके। फिर आपको वही लिखना है कि इसके फैक्टर में भी, इस नंबर के फैक्टर में भी 1 और उस नंबर के खुद के अलावा और भी फैक्टर है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा भाई अच्छे से, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके मुझे बताएं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एजुफ्लाइट को तो एजुफ्लाइट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए घर पर रहिए भाई, पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।